फिरोजाबाद में मुजाहिद अमन कमेटी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रबंधक सचिव मुकर्रम अली ने जानकारी देते हुए बताया कि मुहर्रम की 8 तारीख को कमेटी की तरफ कार्यालय के पास हजरत इमाम हुसैन अली मकाम की याद में कमेटी की तरफ से मजलिस का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें ऑल इंडिया स्तर के शायर हजरात तशरीफ लाएंगे। वहीं 9 तारीख दिन सोमवार को शहर की सबसे बड़ी दुल रखी जाएंगी। वहीं मुहर्रम की 10 तारीख को कमेटी की तरफ से शीश ग्रांड कब्रिस्तान के पास जुलूस स्वागत एवं सहायता कैंप लगाया जाएगा, जिसमें शामिल सभी ताजियादरों एवं आलमदरों को पगड़ी बांधकर शील देकर सम्मानित किया जाएगा। फिरोजाबाद से देखिए हमारे संवाददाता राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। जिला मुहर्रम कमेटी के द्वारा किस तरह के जुलूस निकाले जाते हैं और इनके मार्ग क्या क्या रहते हैं, किन मार्ग से ऊपर निकलता है और किन किन दिन निकाला जाता है? जी, मुहर्रम की 7वीं तारीख को जिला मुहर्रम कमेटी के नेतृत्व में एक जुलूस रात 8 बजे से नालबंद चौराहा स्थित वैश्य गिलास कारखाने से प्रारंभ होता है, जो झमैया टोला मार्ग होता हुआ शीश ग्रांड होता हुआ दरगाह हजरत सैयदना कामिल बेग के मजार बड़ी मस्जिद शीश ग्रांड पर रात 12 बजे समाप्त होता है। इसी तरह जिला मुहर्रम कमेटी द्वारा आयोजित दूसरा जुलूस मुहर्रम की 10वीं तारीख को दरगाह बड़ी मस्जिद शीश ग्रांड की दरगाह से प्रारंभ होगा, दोपहर 12 बजे प्रारंभ होगा, जो शीश ग्रांड झमैया टोला होली वाली भट्टी हाजीपुरा चौराहा और गालिम नगर तिराहा गालिम नगर मोहल्ला और राही नगर होता हुआ शीश ग्रांड करबला पर शाम 5 बजे समाप्त होता है, जिसमें हजारों की संख्या में बच्चे बूढ़े महिलाएं सब शिरकत करते हैं। और आगामी त्योहारों को लेकर किस तरह की सावधानियां? ये मुजाहिद अमन कमेटी की तरफ से जो आज पत्रकार वार्ता रखी गई है, जिसमें मुजाहिद अमन कमेटी मुहर्रम के समय में जो अपने कार्यक्रम करती है उसकी जानकारी देने के लिए रखी गई है, और तमाम हमारे जो आला अधिकारी हैं जिले के प्रशासन हैं उनसे भी हमने जो डिमांड रखी थी, और हमारे ज़िले के सभी अधिकारी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कई दिन से हमारे साथ घूम रहे हैं, उनसे तो पूरी उम्मीद है, लेकिन हमें अपने कार्यक्रमों की जानकारी देनी थी इसलिए वार्ता रखी गई है। हमारे मुजाहिद अमन कमेटी का पहला कार्यक्रम मुहर्रम की 8 तारीख यानी 27/7 को मजलिस का प्रोग्राम होगा, जो बहुत बड़ी मजलिस होती है, जिसमें तमाम शायर हजरात बाहर से तशरीफ़ लाते हैं और हमारे लोकल के भी होते हैं। मुहर्रम की 9 तारीख को मुजाहिद अमन कमेटी के कार्यालय मोहल्ला शीतल खां पर शहर की 2 सबसे बड़ी दुलदुल रखी जाती हैं, जिसमें काफ़ी तादाद में लोग ज़्यारत के लिए आते हैं, पूरे ज़िले भर से महिलाएँ बच्चे बड़े बुज़ुर्ग आते हैं, उसके लिए भी हमने प्रशासन से ख़ास तौर से मांग की है, क्योंकि इस दिन काफ़ी भीड़ भाड़ का मामला रहता है, इसका भीड़ का फ़ायदा उठाकर असामाजिक तत्व के लोग महिलाओं से छेड़छाड़ और तमाम वारदातों को अंजाम देते हैं, इसलिए मुजाहिद अमन कमेटी कार्यालय पर एक फ़ोर्स तैनात की जाए और इस पूरे मार्ग पर ही फोर्स लगनी चाहिए, क्योंकि आगे कब्रिस्तान है शीश ग्रांड कब्रिस्तान, उसमें काफ़ी अंधेरा भी है, मैंने नोट करा दिया है सारे अधिकारियों को कि उसमें अंधेरा है, सोडियम लाइट्स का इंतज़ाम किया जाए। और मुहर्रम की 10 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम होता है जो कि 29/7/2023 का होगा, जिसमें मुहर्रम में निकलने वाले जुलूस के लिए मुजाहिद अमन कमेटी की तरफ से मुहर्रम वो जुलूस सहायता स्वागत कैंप लगाया जाएगा, जिसमें तमाम जो ताजीदार अलमदार बुर्राक वाले आएंगे उनको इनामात बांटे जाएंगे, और जिन लोगों ने पूरे ज़िले में जिन लोगों ने भी इस मुहर्रम के जुलूस में और मुहर्रम के कार्यक्रमों में सहयोग किया है, चाहे वो प्रशासन हो, पत्रकार हो, मीडिया बंधु हो या और भी लोग हों, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, उन सभी का मान सम्मान किया जाएगा, शील्ड प्रशस्त पत्र और शॉल पहना कर मुजाहिद अमन कमेटी की तरफ से उन लोगों का सम्मान किया जाएगा। ये हमारे प्रमुख 3 कार्यक्रम हैं, मुहर्रम की 8 तारीख, मुहर्रम की 9 तारीख, मुहर्रम की 10 तारीख, ये हमारे कार्यक्रम है मैंने।